नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कुरान ने ईसाइयों के प्रलय के दिन को अपने में समाहित कैसे किया। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरान में इसका जिक्र है, सूरा नंबर 88:1 आयत 1। क्या तुझे छा जाने वाली घटना कयामत का समाचार मिला? सूरा 88:2। उस दिन कितने मुख सहमे होंगे, कष्ट और थकान से भरे होंगे, दहकती आग में जलेंगे, बलपूर्वक खौलते हुए सोते का जल पिलाए जाएंगे। उनके लिए कटीली झाड़ के अतिरिक्त कोई भोजन सामग्री नहीं होगी जो न पोषण करेंगी और न ही भूख शांत करेंगी। सूरा 88:8। उस कितने सारे मुख आनंद से भरे होंगे और ऊंचे जन्नत में होंगे, अपने अतीत के कार्यों से प्रसन्न होंगे, वहां कोई व्यर्थ की बात नहीं होगी, बहता सोता दरिया होगा, ऊंचे ऊंचे सिंहासन होंगे और उनके टिकट प्याले रखे होंगे और उनके निकट प्याले रखे होंगे और गलीचे लगे होंगे, मखमली कालीने बिछी होंगी। सूरा 88:17। क्या वे ऊंटों को नहीं देखते कि वे कैसे उत्पन्न किए गए हैं, अथवा यह नहीं देखते कि किस प्रकार आकाश को ऊंचा किया गया है और कैसे पहाड़ गाड़े गए हैं और कैसे धरती पसारी गई है? सूरा 88:21। उन्हें आगाह कर, क्योंकि तू मुहम्मद केवल आगाह करने वाला है, तेरा उन पर कोई वश नहीं है, पर जो भी इस्लाम से मुंह फेरेगा और विश्वास नहीं लाएगा उसे अल्लाह भयानक दंड देगा। सूरा 88:25। निश्चित ही उन्हें हमारे ही पास वापस आना है, तब हमारे पास ही वह समय होगा कि उनका लेखा जोखा लें। अब हम बात करेंगे कुरान की सर्वाधिक चित्रात्मक भाषा, स्वर्ग यानी कि जन्नत और नरक यानी कि जहन्नम में क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरा 56 आयत 10। धरती पर जो अग्रगामी थे, अर्थात जिन्होंने पहले मोहम्मद का अनुसरण किया, वे इस संसार के बाद भी अग्रगामी ही रहेंगे। जो आगे रहे वे वाले लोग हैं जो अल्लाह के समीप होंगे आनंद के जन्नत में। उनमें से कुछ जो बाद में रहें, यानी कि इस्लाम के ठीक से स्थापित हो जाने के बाद, वे अलंकृत सिंहासनों पर होंगे। उन पर एक दूसरे के सामने मसनत लगाकर आनंद में विश्राम करते हुए उनकी सेवा के लिए युवा लड़के होंगे जो सदा बालक ही बने रहेंगे। ये लड़के ऐसी शुद्ध शराब की सुराहियां वह प्याले लेकर फिरते रहेंगे जिसे पीने से न तो सिर में पीड़ा होगी और न ही सिर चकराएगा। और जो फल वो चाहेंगे, जिस पक्षी का मांस वो चाहेंगे, तुरंत मिलेगा। अतीत के अच्छे कार्यों के लिए उन्हें हूरें यानी कि मौज मस्ती के लिए जन्नत की सुंदरियां मिलेंगी, जिनकी ऐसी बड़ी बड़ी आंखें होंगी मानो छिपा कर रखी गई मोतियां। वे कोई व्यर्थ या पाप की बात नहीं सुनेंगे, केवल आवाज आएगी, सलाम सलाम। सूरा नंबर 56 आयत 27। दाएं वाले लोग, आहा, दाएं वाले लोग कितने प्रसन्न होंगे। वे बिना कांटे वाले बेर के बागों और केले के बाग के बीच ऊंचे सिंहासन पर आराम कर रहे होंगे, जो फलों से लदे होंगे और उनकी छाया में निरंतर बहती नदियां और प्रचुर फल होंगे जो कभी न रोके जाएंगे और न ही उनकी पहुंच से बाहर होंगे। और हमने दाहिने हाथ के उन लोगों के लिए विशेष रूप से हूरे बनाई हैं। वो हूरे जो सहचरी होंगी, जो पवित्र और विशुद्ध कुवारी होंगी, माशुका होंगी, उनके साथ सम आयु की उनकी सखियां होंगी। इन दाहिने हाथ के लोगों में बहुत से पुरानी पीढ़ी के लोग होंगे और बहुत से बाद की पीढ़ियों के लोग। सूरा नंबर 56 आयत 41। और बाएं हाथ के लोग, आह, बाएं हाथ के ये लोग कितने अभागे हैं, जो झुलसने वाली हवाओं और गर्म पानी में पड़े होंगे और ऐसे काले धुएं के साय में पड़े होंगे, न शीतल और न ही ताजी। वास्तव में उन्हें इससे पूर्व इस संसार और सांसारिक आनंद दिया गया था, पर वे भयानक पाप करते रहे और कहा करते रहे, जब हम मर जाएंगे तो अस्थियां और धूल रह जाएंगे। किसने देखा है कि हम पुनः जीवित होंगे, हमारे पूर्वज पुराने लोगों का क्या? सूरह 56 आयत 49। उसने कहा,
हाँ, अगले और पिछले इस निर्धारित समय पर सब एकत्रित किए जाएंगे, सूरह 56 आयत 51। तब जिन्होंने इससे अस्वीकार किया था कि मोहम्मद रसूल था, और निश्चित ही जकूम के पेड़ यानी कि जहन्नुम का पेड़ से खाने की भूल की थी, और वे इसी से अपना पेट भरेंगे। इसके बाद वे खौलता पानी पियेंगे और एक प्यासे ऊँट के भांति पियेंगे। पहले यानी कि कयामत के दिन उनका यही भोजन होगा। सूरह 18 आयत 29। उसने कहा, यही सत्य है तेरे स्वामी की ओर से, जो विश्वास ईमान लाना चाहे उन्हें लाने दे, अर्थात इस्लाम में विश्वास करने दे, जो काफिर बनना चाहे उन्हें काफिर बनने दे। हमने काफिरों के लिए ऐसी आग तैयार की है जो एक टेंट की दीवार और छत की भांति है, वे इसमें घिर जाएंगे। यदि वो बचाने की गुहार करेंगे तो उन्हें तेल की तलछट के जैसे पानी दिया जाएगा जो उनके मुख को भून देगा। कितना भयानक पेय और कितना भयानक विश्राम स्थल। सूरह 40 आयत 70। कुरान और इसका संदेश जो हमने अपने पैगंबरों के साथ भेजा है, उसे जो अस्वीकार करते हैं वे शीघ्र ही सत्य जान जाएंगे। जब उनके गले सिकड़ और जुओं से जकड़ जाएंगे, वे खौलते पानी में डाले जाएंगे और इसके बाद आग में झोंके जाएंगे, जलाए जाएंगे। तब उनसे यह कहा जाएगा, कहाँ है वो जिन्हें अल्लाह के बराबर माना था? जो भी मोहम्मद के संदेशों को अस्वीकार करता है, वह अनंत काल तक नरक में दंडित किया जाएगा। मक्का में धार्मिक सहिष्णुता की संस्कृति अब एक नया मजहब बन चुका था, जिसमें सहिष्णुता के अंत का उपदेश दिया गया और इसमें केवल इस्लाम स्वीकार्य था। चूंकि संदेश आ चुका था, तो मोहम्मद ने सार्वजनिक रूप से अपने नए सिद्धांत को बताना प्रारंभ किया। सार्वजनिक रूप से कहने से पूर्व 3 वर्ष तक वह अपने सिद्धांत निजी स्थानों पर कहता था। अरब के लोग सदैव जिन्नों में विश्वास करते थे। वे मानते थे कि जिन वह अदृश्य ताकत है जो आग से बना है। अब जिन कुरान में भी आ गए। कुरान की सूरह 114 आयत 1। उसने कहा, मैं मनुष्यों के उस स्वामी अल्लाह से संरक्षण चाहता हूँ जो मनुष्यों का सुल्तान, मनुष्यों का निर्णय करता है, और मैं सुरक्षा चाहता हूँ भ्रम डालने वाले उस दुष्ट से जो मनुष्यों के मन में जिन और मनुष्यों के विरुद्ध कहानियां भरता है। सूरह 51 आयत 56। मैं जिन और मनुष्य बनाए केवल अपनी इबादत के लिए, मुझे उनसे कोई जीविका नहीं चाहिए और न चाहता हूँ कि वे मुझे खिलाएं। वास्तव में अल्लाह ही जीविका दाता, ताकत रखने वाला और बलवान है। दोस्तों, तो आज हमने जाना मोहम्मद के बारे में, और नरक स्वर्ग जिसका जिक्र कुरान में किया गया है, कयामत के बारे में जाना, और असहिष्णु लोगों के बीच में एक सहिष्णु मजहब का जन्म कैसे हो रहा है। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।